Hello students, today we'll start with the concept of electrostatics. As you know, in our last video we have studied about the electric charges. So this time in this video we will discuss about that how the electric charge produced in a neutral body. Hum ek neutral body ke andar electric charge kaise produce kar sakte hain. Before commencing that I just want that ki aap logon ko electrostatics ka matlab pata hona chahiye, jo hamari unit ka naam hai electrostatics. Electrostatics means electric charges at rest. Jab charges rest mein hain, unki proper studies. जब चार्जेस रेस्ट में हैं, हाउ द चार्जेस आर प्रोड्यूसिंग. हम ये चार्ज रेस्ट में हैं, ये चार्ज प्रोड्यूस कैसे हो रहे हैं. हाउ दिस चार्ज आर प्रोड्यूसिंग, हाउ दे अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर. द वन मोर कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. द वन मोर कॉन्सेप्ट इज पोटेंशियल. इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम इन पहले दो चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं. सो आज हम लोग सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आप इस वर्ड को ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस एंड स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट. सो मीन्स द चार्जेस एट रेस्ट. सो इनकी उसकी ढेरों एप्लीकेशंस हैं. बहुत इंपॉर्टेंट हमारे डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली यूज़ होने वाली टर्म है ये. इसको डिटेल में पढ़ने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट की हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे. दैट कॉन्सेप्ट इज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. ओके क्लास. सो हमारे पास वी हैव अ टू आप ये नोट्स देख सकते हैं. मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. वी हैव अ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट. लेट सपोज वी हैव अ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. वन इज आवर ग्लास रॉड. लेट सपोज दिस इज आवर ग्लास रॉड एंड दिस इज सिल्क. दिस इज सिल्क. वी हैव अ टू ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. वी हैव अ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट. दिस इज प्लास्टिक पायलट पेन. आई एम कंसिडरिंग एज अ ग्लास रॉड एंड दिस रेड पेन आई एम कंसिडरिंग एज अ सिल्क. वेन आई रब दीज टू ऑब्जेक्ट with each other, when I rub these two object with each other, they get electrified. How they get electrified? क्लास जब हम इन दो चीज़ों को जब हम दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? वो दोनों दे गेट इलेक्ट्रीफाइड. इनके ऊपर चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा. हाउ वॉट हैपन? हाउ द चार्ज इज डेवलप इन दीज टू बॉडीज? चार्ज कैसे डेवलप होगा? चार्ज एक बॉडी इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी में से निकल के दूसरी बॉडी में चले जाएंगे. जिस ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन लूजली पैक होंगे वो ऑब्जेक्ट एनर्जी गेन करेगा और अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा दूसरी बॉडी में. जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है आई हैव अ टू थिंग्स. वन इज माई ग्लास रॉड एंड सेकेंड वन इज सिल्क. I have two things. One is my glass rod and second is silk. I have rubbed these two. जब मैंने इन दोनों को आपस में रब किया what happened? एक ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे दूसरी तरफ. एक ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे दूसरी तरफ. जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा that becomes positively charged. वो क्या बनेगा? पॉजिटिवली चार्ज. और जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो बनेगा मेरा नेगेटिवली चार्ज. क्या बनेगा वो? नेगेटिवली चार्ज. जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो पॉजिटिवली चार्ज बनेगा और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो नेगेटिवली चार्ज बनेगा. हम दो चीज़ों को आपस में रब कर रहे हैं. जब हम दो चीज़ों को आपस में रब कर रहे हैं तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है और एक बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है. नेचुरली आप लोगों को पता है दिस इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी. दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी. तो जब भी हम एक बॉडी को इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं तो उसके पास किसी तरह की कोई एनर्जी अवेलेबल होनी चाहिए. वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है? वो एनर्जी बॉडी को जब दो बॉडीज़ को हम आपस में रब कर रहे हैं तो कि दो रबिंग करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? वी कॉल्ड इट एज अ फ्रिक्शनल कॉन्सेप्ट. फ्रिक्शन पैदा होगी. फ्रिक्शन पैदा होने से हीट पैदा होगी. एक बॉडी उस हीट को कंज्यूम करके एब्जॉर्ब करके अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी और दूसरी बॉडी को प्रोवाइड कर देगी. सो नाउ वन बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई. इलेक्ट्रॉन गेन करने से एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई. नाउ दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हैं ये बॉडी पे डेवलप हो जाएंगे एंड दीज चार्जेस रब करने से जो ये चार्जेस प्रोड्यूस हैं इन्हें हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक चार्जेस. बिकॉज दीज चार्जेस आर नॉट मूवेबल दीज आर कॉल्ड स्टैटिक चार्जेस एंड द बॉडी बिकम्स इलेक्ट्रीफाइड. ये बॉडी क्या हो चुकी है? ये बॉडी इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी है.
दिस बॉडी बिकम्स इलेक्ट्रिफाइड. सो एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, दूसरी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए. जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है वो पॉजिटिवली चार्ज बन चुकी है, जो बॉडी जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है वो नेगेटिवली चार्ज बन चुकी है. और इन दोनों चार्जेस को हम क्या बोल रहे हैं, स्टैटिक चार्जेस. और इसे हम क्या बोल रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. और जिससे ये दोनों बॉडीज क्या हो रही हैं, इलेक्ट्रिफाइड हो रही हैं. सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट थेल्स ऑफ मिल्टस इज़ अ फिलोसफर. ये बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बहुत बड़े फिलोसफर थे. इन्होंने 600 BC में, अराउंड 600 BC में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था. व्हाट ही डिड, उन्होंने अंबर एक तरह का रेजिन होता है जो वुड में से निकलता है, लाइक वुड का वेस्ट होता है रेजिन. ये गोल्ड कलर का होता है, इट इज़ ऑफ येल्लोइश गोल्ड कलर का रेजिन होता है. और इसको अंबर को उन्होंने सिल्क के साथ रब किया था. जब उन्होंने अंबर को सिल्क के साथ रब किया तो व्हाट ही नोटिस दिस अंबर स्टार्ट अट्रैक्टिंग अ स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर. द अंबर स्टार्ट अट्रैक्टिंग अ स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर. मैं फिर से बता रही हूँ, थेल्स ऑफ मिल्टस हमारे बहुत पुराने फिलोसोफर थे जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में सबसे पहले हमें बताया था. अराउंड 600 BC में उन्होंने क्या किया था, एक अंबर को उन्होंने सिल्क के साथ रब किया था. व्हाट इज़ अ अंबर? अंबर बेसिकली एक रेजिन होता है जो वुड में से निकलता है. दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ द वुड एंड इट इज़ ऑफ अ येलोइश गोल्ड कलर. एंड बेसिकली अंबर स्पार्क करता रहता है, मतलब इट्स लुक लाइक कि वो स्पार्क कर रहा है, वो चमक रहा है. हमने उसी अंबर को हमने सिल्क के साथ जब उस अंबर को हमने सिल्क के साथ रब किया तो दैट अंबर स्टार्ट अट्रैक्टिंग अ स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर. इसका मतलब कि अंबर के ऊपर कुछ चार्ज डेवलप हुआ और उसने दूसरी बॉडी पर भी चार्ज डेवलप करके उसे क्या किया, अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया. तो दिस कॉन्सेप्ट बिगेन्स द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थ्योरी बिगेन हुई. इवन अंबर को हम ग्रीक में इलेक्ट्रॉन बोलते थे, जिससे हमने वर्ड प्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिक. क्या वर्ड प्रोड्यूस किया हमने? इलेक्ट्रिक. और यहाँ पे हमारे जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो क्या हो गए, हमारे जो ये चार्जेस डेवलप होते हैं रबिंग करने से, जो चार्जेस डेवलप हो रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक चार्जेस. बिकॉज दीज चार्जेस एट रेस्ट. सो क्लास, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हम जब दो चीज़ों को आपस में रब कर रहे हैं, व्हेन वी आर रबिंग टू थिंग्स विद ईच अदर, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है. आई एम हैविंग अ ड्राई हेयर्स. तो मैं इनको हम बचपन में एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा करते थे. आई हैव टेकन अ स्मॉल बिट ऑफ पेपर एंड आई हैव जस्ट रब माय प्लास्टिक पेन विद माय ड्राई हेयर्स. एंड व्हेन आई हैव रब माय प्लास्टिक पेन विद माय ड्राई हेयर्स, तो व्हाट आई हैव सीन, दिस पेपर, माई पेन हैव अट्रैक्टेड दिस बिट ऑफ पेपर. मेरे पेन ने क्या किया, छोटे से पेपर को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया. बिकॉज माई पेन गेट इलेक्ट्रिफाइड. मेरा पेन यहाँ पे क्या हुआ था, रब करने की वजह से मेरा पेन क्या हो गया था, इलेक्ट्रिफाइड हो गया था. एंड इस ये जो दो चीज़ें आपस में क्या हो गई हैं, अट्रैक्ट हो गई हैं, इसको हम लोग एक नाम दे सकते हैं. इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग. क्या बोलते हैं हम इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग. तो हम दो चीज़ों को रब करने से वो दो चीज़ें आपस में चिपक जाती हैं, अट्रैक्ट हो जाती हैं एक दूसरे की तरफ, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग. वी कॉल इट एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग. When the two rubbed, when the two different objects cling together after rubbing. Even that you have seen the thundering of clouds. So that is also example of the electrostatics. Electrostatics, when you remove your synthetic shirt on a dry days, तो यू हैव सीन अ स्पार्कलिंग इफेक्ट. आप जब अपनी सिंथेटिक शर्ट को, नायलॉन की शर्ट को जब आप ड्राई डेज में आप पुल ऑफ करते हो तो आप क्या देखते हो, एक स्पार्कलिंग आपकी बॉडी में से प्रोड्यूस हो रही है. आपने जब बादल गरजते हैं तो उनमें भी आपने एक थंडर स्टॉर्म के दौरान, ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म भी आपने एक कोलिजन देखे हैं, और उसमें ड्यूरिंग कोलिजन आपने लाइटनिंग इफेक्ट देखा है. तो वो दे आर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. एक्चुअली व्हाट हैपन,
इन थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स, व्हाट हैपनिंग दैट टाइम,